गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। आप जैसे आप सभी को पता है कि क्लास सेवन्थ के चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो कि चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन प्लांट। आज जो हम चैप्टर क्लियर करेंगे, यानी कि चैप्टर टू, इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एनिमल। न्यूट्रिशन प्लांट में मैंने दो मेथड बताए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, यानी दोनों ही मोड से न्यूट्रिशन गेन किया जा सकता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन एनिमल की बात करें कि एनिमल अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, तो अधिकतर या ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक वे में अपना न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। हेटरोट्रॉफिक वे ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर निर्भर होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है, दैट्स कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे सपोज कीजिए कि आप या तो फिर खेतों से सब्जियां लेकर उसको प्रिपेयर करके खा रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्टली वे में कैसे, जैसे एक गॉट है, एक बकरी है, बकरी घास खाएगी और बकरी को आप खाएंगे, तो ये आपका इनडायरेक्ट होगा। तो दोनों ही मोड में आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पर निर्भर हो रहे हैं, पौधों पर, यानी प्लांट पर निर्भर होते हैं, उसको कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ईटिंग हैबिट कैसी होती है, ईटिंग हैबिट एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग दोनों की अगर बात करें, तो हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ये भी मैं प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हार्बिवर्स ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं। मैं एनिमल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। एनिमल ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, जैसे गाय हो गई, ठीक है, और ऐसे जीव जो सिर्फ और सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, मांस मच्छी के अलावा और कुछ नहीं खाते, वो कार्निवर्स कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ मांस मच्छी खाते हैं, साग सब्जी नहीं खाते, घास फूस नहीं खाते, दैट्स कॉल्ड कार्निवर्स। नेक्स्ट है आपका ओमनिवर्स। ओमनिवर्स वो जीव जंतु होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, घास फूस भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, जो जिसकी कैटेगरी में हम मोस्टली इसमें आ सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, यानी फूड को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। होलोफिक टाइप, होलोफिक टाइप, आप इसको होलोफिक इजिकल टू फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हो। होलोफिक टाइप वो टाइप होता है जिसमें एक पौधा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्लोरोफिल, इन सब की मदद से अपना जो खाना बनाता है, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, ऐसे टाइप को होलोफिक टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड। सबसे पहले आपको ध्यान ही रखना है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या एनिमल की बात करें, जानवरों की या इंसानों की बात करें, तो जो प्रोसेस होता है, जैसे आपने खाना खाया, आप यहां तक अच्छे से जानते हैं कि खाना खाया है, पेट में गया है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस क्या क्या होता है, क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, वो आप वन बाय वन इस स्टेप्स को पढ़ेंगे। यानी कि खाना खाने से एनस द्वार से निकलने तक का क्या क्या प्रोसेस होता है, ये आप वन बाय वन स्टेप से पढ़ेंगे। ये सबसे पहले ध्यान ही रखना है, पांच प्रोसेस होते हैं आपके, जो आप इनटेक करते हैं फूड को, यानी कि खाने को खाते हैं, उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वन बाय वन इसमें समझेंगे। पहले ही इंजेशन, सबसे पहले समझना है कि पांच प्रोसेस होते हैं खाना खाने से एनस द्वार से निकलने तक के, पांच प्रोसेस होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये पांच प्रोसेस होते हैं, इन पांच प्रोसेस आपके इनटेक द फूड ये प्रोसेस हुए जाते हैं। तो पहला हम यहाँ पे पहला ले लेते हैं, पहला है आपका इंजेशन। इंजेशन फूड का इंजेशन करना, यानी फूड को बाहरी एक्सटर्नल वे में बाहर से अंदर की ओर ग्रहण करना, वो आपका इंजेशन कहलाता है। टेकिंग फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, टेकिंग फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाहर से खाने का लेना, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब बाहरी एनवायरमेंट, बाहरी वातावरण से खाने को मुंह में, यानी अंदर की ओर लेना, वो आपका इंजेशन कहलाता है। इन वन वर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है आपकी बुक में, हर एक ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे इंजेशन करते हैं, वो हर एक का है, लेकिन मैंने मेन टॉपिक आपके अमीबा और पैरामीजियम्स का लिया है। और भी बहुत सारे जीव जंतु है जो इंजेशन अलग प्रकार से करते हैं, आपको ध्यान ही रखना है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अलग अलग जीव जंतु अपना इंजेशन क्या है, इंजेशन टेकिंग फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
बाहरी एनवायरनमेंट से खाने को अंदर लेना वो बेसिकली इंजेशन कहलाता है। इंजेशन जो होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड, अलग अलग प्रकार के जीव इंजेशन करने के लिए यानी एक्सटर्नल इन बाहरी एनवायरनमेंट से अपने भोजन को अंदर लेने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें की दो मेथड यानी दो जो जीव हैं यहाँ पे ये यूनिसेलर होते हैं यानी सिंगल सेल होते हैं। इन दोनों का मेथड क्या होता है बाहरी एनवायरनमेंट से फूड को अंदर की ओर लेने का, इनका क्या प्रोसेस होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यूनिसेलर होते हैं यानी कि सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलर इज कॉल्ड द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलर में आपका अमीबा पैरामीजियम लिया है, अमीबा भी एक सिंगल सेल है। ये दोनों प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, जो मैं क्लास 8 के चैप्टर में मैंने समझाया है वो था द प्रोटोजोन। तो अमीबा अपना खाना, हम अपना खाना कहाँ से अंदर लेते हैं, हम अपना खाना थ्रू द माउथ लेते हैं, लेकिन ये अपना खाना लेने के लिए सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सूडोपोडिया? ये जो आपको आउटर ग्रोथिंग दिख रही है ये सबसे पहले अमीबा है। अमीबा को कोई फिक्स्ड इसका जो स्ट्रक्चर है ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, सबसे पहले ध्यान रखना है। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा 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 हो सकता है, कभी ऐसा 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 हो सकता है, मतलब इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये खाना खाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, खाना खाने के लिए सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज सूडोपोडिया? ये जो आउटर ग्रोथिंग आपको दिख रही है, बाहरी जो लेयर ये दिख रही है, ये नजर आ रही है जो बाहरी निकल रही है, इसको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडोपोडिया द्वारा ये खाने को ले लेता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ये आपका अमीबा है, अमीबा क्या करेगा, खाना यहाँ पर है, ये क्या है, खाना है, तो अपना स्ट्रक्चर उसी प्रकार का बना लेगा और उस खाने को घेर लेगा पूरी तरीके से। ये अमीबा है और वो ऐसे करके इस खाने को पूरी तरीके से घेर लेगा और खाने को अपने शरीर के अंदर ले लेगा। ये अपने शरीर को, अपने स्ट्रक्चर को किसी तरीके से भी बदल सकता है, किसी भी प्रकार से अपने स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन गेन करने के लिए अपना कोई भी प्रकार मेंटेन कर सकता है। तो सूडोपोडिया के वजह से अमीबा जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब पैरामीजियम की बात करें, पैरामीजियम थ्रू द सीलिया, ये जो है ये आपको ये जो ग्रोथिंग दिख रही है छोटी 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 छोटी, इसको सीलिया कहा जाता है। थ्रू द सीलिया ये अपना भोजन को ग्रहण करता है। बेसिकली सूडोपोडिया और सीलिया दोनों ही दो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मतलब इसमें सूडोपोडिया इंटेक करने का भी काम करता है, खाना भी देने का काम करता है, दूसरा काम ये मूवमेंट का भी करता है। ध्यान रखना है आपको, अभी हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो मैं भी मूवमेंट की बात करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर ये जो आउटर ग्रोथिंग दिख रही है इट्स कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया दो काम करता है, मूवमेंट ऑफ अमीबा एंड इनटेक द फूड ऑफ अमीबा। अमीबा में खाना खाने का काम करता है, मतलब खाना खाना जो है इसके ही द्वारा खाया जाता है और ये मूवमेंट भी करवाता है सूडोपोडिया अमीबा के अंदर। सीलिया की बात करें तो पैरामीजियम के अंदर सीलिया जो है, सीलिया की मदद से ही अमीबा खाने को इनटेक कर पाता है, खाने को ले पाता है, ठीक है। और सीलिया के द्वारा ये दूसरा काम क्या करता है, मूवमेंट का भी काम सीलिया द्वारा करता है। ये हमारा इंजेशन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी इंजेशन कंप्लीट हो चुका है, इंजेशन जो टॉपिक है वो क्लियर है। नेक्स्ट हमारा डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, और छोटा सा टॉपिक है, क्लियर कर लेते हैं। डाइजेशन सबसे पहले जो डाइजेशन हम करते हैं, जो इनटेक हम फूड को करते हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी जटिल होती है, जटिल प्रॉपर्टी होती है जो आप इनटेक करते हैं। द फूड डैट वी टेक, जो खाना हम लेते हैं वो सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स द सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड अ डाइजेशन। वो प्रोसेस डाइजेशन बेसिकली क्या है, डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, रोटी दाल चावल आप चबाते हैं ना, वो डायरेक्ट आप निगल तो नहीं जाते हो, आप खाने को चबाते हैं। तो चबाने के दौरान जब आप कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़कर, सिंपलर फॉर्म में जो उसको तोड़ते हैं उसको कहा जाता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड, वो प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन यानी तोड़ा जाता है, किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसको डाइजेशन कहते हैं। वन वर्ड में समझना है तो क्या बोलना है आपको, कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना आपका डाइजेशन कहलाता है।
और इसमें मदद कौन करता है? एंजाइम सिक्रेट बाय द ग्लैंड फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम होते हैं। अभी आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब समझोगे तो अलग अलग प्रकार के एंजाइम को आप जानेंगे। एंजाइम आपके माउथ में होते हैं, स्टमक में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लीवर में, बहुत मतलब आपके एंजाइम, कई प्रकार से एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द ग्लैंड। ग्लैंड एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ग्लैंड क्या करता है? एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। एंजाइम काम क्या करते हैं बेसिकली, पहले ये क्लियर करते थे। एंजाइम खाने को बहुत लिक्विड फॉर्म में बनाने में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों विखंडित करने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल से बात करते हैं कि हम जैसे ही खाने को मुंह में डालते हैं तो खाना गीला हो जाता है। खाना गीला कैसे होता है? थ्रू ऑफ सलाइवा, यानी कि आपके लार के वजह से खाना गीला हो जाता है। तो ये लार कौन प्रोड्यूस करता है? ये लार प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, एंजाइम हेल्प टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। पहले एंजाइम क्या काम करता है इसको ध्यान से हम सुन लेते हैं। एंजाइम काम ये करता है कि वो खाने को छोटे छोटे फॉर्म में विखंडित कर देता है। देखो, आप जो खाते हैं या आपको न्यूट्रिशन जो गेन होता है, या आपको पता है आपका खाना किस फॉर्म में हो जाता है? ब्लड बन जाता है, पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म बन जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में रोटी दाल चावल तो फ्लो होते हुए नहीं दिखते ना आपको, वो क्या दिखता है? लिक्विड, प्योर लिक्विड दिखता है। प्योर खाने को, मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने तक का प्रोसेस जो है वो एंजाइम करता है। तो और एंजाइम आपके शरीर के हर एक भाग में, आपके डाइजेशन का जो पूरा सिस्टम है उसके विभिन्न विभिन्न भाग में एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम आपके मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में, सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन को सिंपलर फॉर्म में एंजाइम क्या कर रहा है? तोड़ने का काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आर मिक्स्ड विद फूड एज द पास्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है और वो एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आपके मुंह में खाना जाने से लेकर आपके एनएस द्वारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के बाहर निकलने तक, यानी कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एक्सक्रेशन जो प्रोसेस होता है बाहर निकलने तक का जो पूरा द्वार होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मुंह में खाना जाने से लेकर एनएस से एक्सक्रेशन का बाहर निकलने तक के प्रोसेस को, जो पूरा ये द्वार होता है या पूरी ये सरफेस जो होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो आपको क्या समझना है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो है खाने के साथ मिक्स होकर आपके खाने को आगे की ओर पास कर देते हैं। आगे कहाँ पास कर देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में पास कर देते हैं। जैसे कि दो एंजाइम के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, सलाइव जो है वो कहाँ? माउथ में होता है। सलाइवा यानी कि लार, सलाइवरी ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होता है, जो खाने को मोस्ट बनाता है या खाने को आगे बोलते हैं मेल्ट कर देता है पूरी तरीके से, या जो गीलापन खाने में आपका आता है मुंह में खाना डालते ही, वो किसके द्वारा प्रकार से आता है, किसके वजह से आता है? वो होते हैं सलाइवा के वजह से। सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? स्टमक में होता है। स्टमक यानी पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम को सिक्रेट करता है, और एंजाइम क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन करता है, और छोटे छोटे आपका खाना छोटे टुकड़ों में टूटता है, और छोटे और छोटे और छोटे वो लिक्विड फॉर्म जब तक नहीं हो जाता तब तक एंजाइम उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित या लिक्विड फॉर्म बनाने में मदद करते ही रहते हैं। यह आपका डाइजेशन और इंजेशन दोनों ही कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में आप ऑब्जर्प्शन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। हैव अ गुड डे।